गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे थ्री सवेरे उठ गए आप जल्दी, तो टी एंजॉय कर रहे हैं। ठंड होती है सवेरे काफी, सो अज साड़ी वापसी है। जेडे थोड़े बहुत व्यूज रह गए ने असीं अज तुहानूं जरूर दिखावांगे, रस्ते च भी अज तुहानूं दिखावांगे, शिमले भी अज शायद जाइए असीं। तो करते हैं डे थ्री साढ़े नाल एंजॉय, आज ब्रेकफास्ट अपना रेडी आ रहा, उधरों ऑर्डर कर चुके हैं, तो हम असीं खाने लिए बना रहे हैं पिज़्ज़ा, सारे जने रल मिल के खावांगे। तो करते हैं साढ़े नाल अज पिज़्ज़ा एंजॉय। अज किचन जनाब ने सामभी भी है, किदां फील हो रहा है? मन थोड़ी गल्लां सुन के ना रोना आ रहा बहुत, देख खाते हैं। हाय मन तो मजा आ रहा है अज, चलो छेती तैयार कर दो। प्याज चीरिया ते मैनूं तेरियां गल्लां ते फिर मैनूं ज्यादा, मैं डीप सोचा, मैनूं फिर रोना आ गया प्याज तो बाद। किवें फील हो रहा है? फील खतरनाक हो रहा है जी, बहुत एंग्री फील हो रहा है। क्यों? देखो फिर कह दनी है क्या काम हुंदा थानू, देखो हुण तुहानूं गल्लां आउणी है ना, मैं तेरी हेल्प करा रही हूं। पिज़्ज़े तो बाद बना रहे हैं असीं सैंडविच, अपना पैक करांगे, लंच टाइम च असीं खावांगे। देखो तो साड़ी किवें लगी है सैंडविच बनाई हुई, टॉपिंग हो रही है पूरी, पनीर प्लस चीज, देखने च तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बाकी खा के पता लगूगा। पनीर भी असीं अपना घर तो बना के लिया सी, ताकि सानू रास्ते च कोई प्रॉब्लम ना आवे। रेडी हो गया, हुण तो बाद सबे दा ब्रेकफास्ट कर रहे सीगे, साढ़े सर ने सानू दिता, उस तो बाद साडा ब्रेकफास्ट भी आ गया रूम च, करदे आ इंजॉय। आ जाओ। हाँ जी, साडा ब्रेकफास्ट आ चुके है। की आया ना प्रीत? पूरियां, पूरियां दे नाल दही आ गया, सब्जी आ गया, अचार आ गया, परांठे आ गया, फ्रूट्स आ गया, फ्रैश फ्रूट्स। सो करदे आ असीं ब्रेकफास्ट इंजॉय। टेबल बहुत छोटा है, असं एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, सो असी हुण पिज़्ज़ा बना के लिया सीगे, करते हैं पिज़्ज़ा इंजॉय। आ जाओ, बाहर लॉन च बैठे हैं, व्यू दिखाने का। जी असी पूरा इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, तो देखोगे बहुत सोहना इस बारी, तो पिछे तुम प्रॉपर्टी की शॉट देख रहे हो, बहुत वधिया फुल इंजॉय करे, ब्रेकफास्ट करके असी पिज़्ज़ा भी खा के हटे हमने हमने, तो हम साड़ी बस जाने की तैयारी है, रास्ते छोटी छोटी जाते जाते वीडियो बनावे, असी रील्स बहुत बनाई इस बारी, बहुत ज़्यादा सोहना कलर कॉम्बीनेशन है। सो असीं हुण जा रहे हैं जी गड्डी चक्कण, गड्डी चक के असीं चलांगे घर नूं, चेकआउट करता रूम, बाय बाय होटल।
देख रहे हो तुम टनल सारी है, छोटी जी टनल है बिल्कुल ही। बस गड्डी पार्क करके फिर बाय लिफ्ट असीं उपर माल रोड ते जावांगे, फिर देखते हैं माल रोड के नज़ारे की ने। अज बहुत ज़्यादा फिर भी रश है क्योंकि हुण लॉकडाउन करके ना हुण खुलने करके सारी जनता बाहर फिरती है, जिन्होंने मतलब घूमने के शौकीन है जिहड़े। बहुत बड़ा होटल है, काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है, गुरद्वारा सिंह सभा शिमला, ये टॉप ते जाके मंदिर है जी, जाखू टैंपल बोल देना। अभी रास्ता जड़ा है तुर के जाता माल रोड में उपर तक, ये सारा तुर के जाता, काफ़ी टाइम लग जाने, कोई 10-15 मिनट लग जाने उपर जाने में। लिफ्ट वाला बहुत सोहना काम है उन्होंने बनाया जी, साढ़े को टाइम होंगे फिर असी तुर के जाना पसंद करते हैं, उस ज़्यादा इंजॉय करते हैं नाले, वैसे तो साथे सैर होंगी नहीं करा नहीं अपना जाना सीधा शोर है तो, पर चक्कर की है एक तो हूँ थोड़ी उ गर्मी हो लग रही है, टैंपरेचर तो 20 डिग्री हो है पर गर्मी। सो अभी पार्किंग पहुँच चुके हैं, तुम देख रहे हो भीड़ कि है। सो अभी थर्ड बेसमेंट तो स्टेयर चढ़ के आए हैं, स्टेयर चढ़ के अपना मेन हाईवे पर आ जाने, फिर जावांगे लिफ्ट तक, लिफ्ट तो उपर मान रोड, फिर उत्थे घूमदे आ जी। ये लिफ्ट की एंट्री है, बहुत सोहनी है, पहले नालों डिवेलप करती है ना काफ़ी। ये हैगा लिफ्ट टिकट काउंटर, स्टाफ रुपीज 10, सो टिकट ले ली आपा, देख रहे हो लाइन लगी हुई है लिफ्ट ली। इसकी एंट्री एक साइड होती है, खुलती दूजी साइड में। माल रोड एट शिमला देख सकते हो तुम, बहुत सारी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा रश है, शॉप्स भी तुम देख रहे हो बहुत सोहनी, बहुत सोहना। उपर जाना चलते, उपर चलते, उपर ना रश घट है ना। यस जाखू टैंपल जो अं दिखा रहे थे देखो, इधर चलते हैं, इधर भीड़ घट है। जा रहे हैं हम मार रोड की एंट्री से, पहला असं पहुँच रहे हैं माल रोड, फिर देखते हैं अगे की प्लानिंग है, बैठ के व्यू बहुत जबरदस्त है इतने, इंडिया का फ्लैग तुम देख सकते हो, काफ़ी उच्चा फ्लैग है इतने लगे हुआ इंडिया का। लो जी हूँ देखो तुम माल रोड का व्यू, हाँ जी आ चर्च है इधर, बहुत पुरानी चर्च है जड़ी है वाली है, बाकी तुम माहौल देख रहे हो। अज वर्किंग डे करके ना थोड़ा जा फिर भी थोड़ा जा फर्क हैगा, फिर भी रश बहुत ज़्यादा है, हॉर्स राइडिंग भी होंगी अरे करनी है नवप्रीत, हॉर्स राइडिंग करनी नो खाने पीने बैठ के थे। ऐसे छोटी सी एक पार्क है पर उसकी टिकट ला दी है कहते बैठने की, सो तो जल्दी बहुत सोहनी पार्क है, सो ब्यूटीफुल। तो उधर रश थी बहुत ज़्यादा, बैठने लिए वधिया नहीं लग्या सानू, तां करके अभी सोचा भी इधर पार्क च टेबल है आराम नाल बैठ के इंजॉय करते हैं। आ जाओ
हाँ जी हूँ असं खाण पीण तो बाद थोड़ा जहा घूम लगे हाँ ये नवा अपडेट करे जरा ना देख ऑडियंस ली मौसम बहुत सोहना है इंदिरा गांधी का स्टैचू भी लगे इतने थ्री सिक्सटी देख सकते हो सारा कुछ। हाँ जी असं आते आते सोचा थोड़ा टाइम इतने बैठ के स्पेंड करते हैं टाइम पंजाबी तड़का लेट हो गए थे काफ़ी सो हूँ नैक्सट डे समान तार रहे हैं अपना सारा मैडम उलझी पी बेचारी नींद न मारी हुई है कि मेरा फिर अपनी टूर वधिया।